नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण आज फिर से वापस फरीदाबाद पहुंचा है। उत्तरायणी का एक शानदार कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। जहां तक क्या आपकी नजर जाए, चाहे स्टेज पे हो या पीछे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो तमाम जो लोग यहां पर आए देखिएगा, इतनी भीड़ देहरादून में होती है अगर एक प्रोग्राम होता है तो। एक छोटा उत्तराखंड यहाँ भी बसा हुआ है, ये क्लियर है। अब ये उत्तराखंड यहाँ पर कितना खुश है, क्या कुछ है इनके दिलों में, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उत्तराखंड से प्यार हमेशा रहा है, चाहे वो हमेशा रहा है, चाहे किसी और का भी। लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंचे आज, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आवाजें थोड़ा ज्यादा पीछे की तरफ चलते हैं, आइए थोड़ा पीछे की तरफ चलकर बात करते हैं लोगों से, क्या कुछ है इसमें। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? चार नंबर से, सहारनपुर से। चार नंबर। अच्छा, उत्तराखंड से हो वैसे? अच्छा, कैसा लगता है उत्तराखंड का प्रोग्राम? अच्छा लगता है, बढ़िया है। हर साल आते हो आप? पहली बार आया हूँ। पहली बार आया हूँ, चलिए। नमस्कार मैम, आप उत्तराखंड से ही है मैम? हाँ जी। कैसा लगता है मैम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मिस करते हो उत्तराखंड को? हाँ। कहाँ से हैं आप उत्तराखंड में? हम टिहरी से, टिहरी के पास से। हाँ जी। अर्जेंटीना तर्ज बना दो, जोशी मठ भी अब खत्म होने लगी, दुख तो होने वालों। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत दुख, बहुत बुरे हाल हो गए। लेकिन यहाँ पर उत्तरायणी आप हर वर्ष मना रहे? हाँ जी, हाँ जी। अभी 2-3 साल कोरोना में नहीं करे, बाकी सब हम 2-3 साल नहीं मने, बस मनो लगे। हाँ, अभी सब। क्या नाम जी आपको? प्रेमा सजवाण। सजवाण जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है, ये तमाम लोग पहाड़ी है मेरे भाई। नमस्कार जी, कहाँ से? मैं यही फरीदाबाद से। और कौड़ी का रहने वाला हूँ। कितने साल से कर रहे हैं ये? तो बहुत सालों से हो रहा है। अच्छा, उस तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ जी। कब से हो आप फरीदाबाद में? मैं तो हमें 15-20 साल हो गए। अच्छा, वापस जाने का मन भी करता है? हाँ, जाते हैं गाँव हर 2-4 महीने 5-6 साल भर। ऐसा नहीं मन करता कि वहीं बस जाओ? बसने का मन करता है, लेकिन रोजगार के कारण क्या करें। सुन रहे हो जी जो हम कह रहे थे, मन तो बहुत करता है लेकिन दर्द वही है, दर्द वही है। रोजगार का हो, शिक्षा, रोजगार नहीं है, शिक्षा की दिक्कत है, बेरोजगारी बहुत है अपने पहाड़ों में। बिल्कुल। एक देखो यहाँ पर कुमाऊनी पिछोड़ी में एक बहन यहाँ पे। हेलो बेटा, बहुत सुंदर लग रहे हो आप, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, कहाँ से हो आप? कुमाऊं। कुमाऊं से हो आप? आज उत्तरायणी, कल घुघुती भी बनाई थी? हाँ जी। बनाई थी? हाँ जी। यही बनाई है? वहाँ घर में बनाई है। तो कुमाऊं में जाते हो? हाँ। आप कहाँ है घर आपका? खैरिया। खैरिया में, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। इसको पहनते रहते हो हमेशा? नहीं, बस ये आज डांस परफॉर्मेंस है। कौन से गाने पे गया? हिमोली। कुमाऊं में भी जाकर करते हो कभी परफॉर्म? हाँ जी। तो ये देखिएगा, एक 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 मौका जरूर होता है यहाँ पर। तमाम हमारे पहाड़ी जो लोग हैं, चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे वो उत्तराखंड कुमाऊं से हो, चाहे गढ़वाल से हो, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर जो आते हैं उनको ये ही चीज एक रहती है। नमस्कार सर, कैसे है, क्या नाम है सर आपका? आचर सिंह रावत। मैं आपका लोकार्पण को बहुत ज्यादा देखता हूँ। आप उत्तराखंड में जन मुद्दाओं को बहुत अच्छी तरह से उठाते हो। आपको मैं हर लाइव वीडियो आपका देखते रहता हूँ। अच्छा, एक सेकंड में जरा आवाज चेक कर रहा हूँ। आवाज तो क्लियर है ना आपको? लोकार्पण को आ रहे हाँ, बहुत बढ़िया देख करता हूँ। आप उत्तराखंड से, मतलब उत्तराखंड की बातों को, जो भी है मुद्दाओं को बहुत उठाते हो, मैं बराबर आपका चैनल को देखते रहता हूँ। आप आ रहे हैं, आप लोगों का प्यार है इसलिए हम और ज्यादा करते रहते हैं। जबकि आप उत्तराखंड से जुड़े हो, आप दिल्ली NCR में तमाम हमारे जितने भी पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंड के तमाम संस्कृति को आप बहुत अच्छा रिस्पांस देते हो। हम आपका चैनल का शुक्रगुजार है। आपको गाँव का क्या? म्यार गाँव मनियारशू। मनियारशू कल जिकाल डांगी गाँव जाना रंद गाँव। बिल्कुल बिल्कुल, हर याद होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साल में दुई बार। अच्छा, साल में दुई बार उत्तरायण में क्या करिए? बाहर दो ये बड़ा तो थोड़ा सा बच्चों को छुट्टी चाहिए, इना मनाना रहा, घुमाना रहा। आज हमारा चला पर संस्कृति में आदत गणकुण एक 4 नंबर पहुंच गया। मैं एक नजदीक रहना SGM नगर में। चलो वापस जानो मोनी बोल गाँव। हाँ। ना गाँव तो बिल्कुल जान जान ना, परमानेंट मतलब कि अब छोड़ा यार, बहुत वेगी दिल्ली पर। हम लोग को मजबूरी है कि हमारी मजबूरी है कि हमारे पहाड़ में एक हमारे रोजगार नहीं है। हाँ। तो एक जैसे हम बाहर निकले आ जाए छोटे मोटे रोजगार को ना, रोजगार को जैसे हम एक टिके आ जाए। नहीं तो कहते ना कि आप स्वर्ग बराबर धरती तक कोई छूट सही बात, स्वर्ग बराबर धरती हम उनके लिए छोड़। बहुत सुंदर भाई साहब, नमस्कार। आपने भी पहाड़ी टोपली आज बहुत शानदार लग रहे हैं आप। कहाँ से है भाई साहब? शिमला पेटे। शिमला से? अरे वाह, चोले चढ़ शिमला गढ़वाल विपुना। आप हिमाचल से ना?
कांचन गढ़वाली पूरा अच्छा गढ़वाली अच्छा रहा है शिमला में। हाँ शिमला हमारे मकान भी छोटे जब घर रहना अच्छा हम ये फैदाबाद कैसा लगता है उत्तरायणी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। हम तो उत्तराखंड में कोई भी मेला हुआ कोई भी चीज हुआ तो बहुत अच्छा लगा। ओम प्रकाश गोड़न अच्छो प्रोग्राम कर सब हमारे गढ़वाल भाई जो कट हुआ बहुत अच्छा लगना चाहिए हमारा मतलब गढ़वाल ग्राम वो चाहिए कि सबाई कतो वो क्या अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात देखो आप बोना की गढ़वाली यक सब गढ़वाली बोना जो यक भी नहीं रहा जो शिमला रहा वो भी गढ़वाली बोना बहुत बहुत बधाई आप लोगों एक देखा बड़े जी हम देखिए हंसना भी मूल मूल भाई बड़े प्रणाम प्रणाम क्या नाम आप मेरा नाम दिनेश सिंह बिस्ट। अच्छा बिस्ट जी के को आप हम जी ना कचघाट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल हाँ कल लगन एक बहुत बढ़िया मेरा 50 साल भी नहीं 50 साल भी गया हाँ। तो घर जानो मोहन नहीं बोल घर जाना हम अच्छा जब घर में हमारे खेत बाड़ी सा सारा कर दान खेत बाड़ी कभी हम जाना नाम भी कर लेता अच्छा तो जिंदगी एकदम दौड़ भाग माजी दौड़ भाग पहाड़ पर वापस जानो मोहन नहीं बोल ना बोल दो जाना हमारे पहाड़ से एक 6 महीने कब आ जाना था अब जोला अप्रैल में अच्छा अप्रैल में सर सर्द महीने आ जाना गर्मी में गाते बहुत शानदार। ये देखिएगा ये हमारे पहाड़ के वो लोग हैं जिनकी एक बेबसी भी है एक एक चीज वो हमेशा अपने दिलों के साथ रखते हैं कि पहाड़ तो जाना था साहब पर जाएं कैसे ना रोजगार की व्यवस्थाएं हैं ना स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं ना शिक्षा की क्योंकि आजकल बच्चे आगे बढ़ रहे हैं नई नई आयाम पा रहे हैं उनके लिए बाहर शहरों में निकलना बहुत जरूरी है और उसके लिए चाहिए पैसे तो पैसे कमाने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं चाहे फरीदाबाद हो दिल्ली हो NCR हो मुंबई गुजरात जहां भी लोग देख रहे हो आप लोग भी कमेंट में जरा राय दीजिए आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं हमें या देखो या बात बिखाड़ बैठी नमस्कार जी बड़े बड़े हाथ पर नमस्कार कब गो आप हमारे पौड़ी गढ़वाल कल लगड़ो बात बहुत अच्छे अच्छा कितना साल भी गया एक हम तो जन्म ही खा की जमर अच्छा पहाड़ हम जाना रहना जाना रहना मोहन नहीं बोल की जाना यक तो बेकार अब बच्चा जब एक छंद अब रहन भी पोड़ल नहीं की जब बच्चा पढ़ और छंद ये बात वो उत्तरायणी हर हर वर्ष मनो हाँ। और भी त्योहार मनो गाजियाबाद भी नहीं छो अच्छा आप गाजियाबाद से आए हो वाह गाजियाबाद भी अच्छा देहरादून भी जाना कभी ऋषिकेश जन कोई प्रोग्राम ना वो कभी ना यही भैर छन ना भै वगैरह छन मेरा ये वे माता बाबू बुलाए कार्यकर्ता छन कार्यकर्ता आपो का शहर को और पौड़ी गढ़वाल आप अभी पौड़ी ये देखो यहाँ पर ए बाबा बॉडी खती है की सब ए यक बॉडी बॉडी ने बात खती जो बेटा कहाँ कहाँ से आ रहे हो आप हम मैं फरीदाबाद से आए हैं अच्छा हाँ जी पहाड़ी हो हाँ जी पहाड़ी हूँ बॉडी से हूँ मैं यहाँ काला आ रहा है मैं काला वैसे भी ज्यादा हूँ अच्छा क्या नाम है आपका दीप्ति और आपका यशिका और शिवांगी देखो क्या सुंदर लग रहे तो आप सब लोगों ने कौन सी परिधान पहनी है आज कुमाऊनी गढ़वाली कुमाऊनी पोशाक कुमाऊनी बोला है मैंने आपने कुमाऊनी बोला ये किसने बताया था मम्मी ने हाँ जी मम्मी ने बताया था अच्छा कौन सी क्लास में हो आप मैं कॉलेज कर रही हूँ अच्छा गढ़वाली कौन सी हाँ जी गढ़वाली हूँ मैं कौन सी आंधी चे आंधी थोड़ी 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 तो आज गाना में डांस भी कर दूँ हाँ कैसे वो कौन सा था उत्तरायणी लागी रो उत्तरायणी कौतिक लागी रो आज उत्तरायणी हर साल वो उत्तरायणी हाँ जी इंतजार कर दें तुम ये को हाँ जी वो भी जाना वापस हाँ कबार मतलब हर साल जाते हैं महीने में हर साल जाता है बोल हाँ तो ये देखिएगा बच्चे भी है एक 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 प्यार तो है उत्तराखंड के लिए अब उसको कहाँ से निकाल पाए एक भाई हमें बहुत देर से देखो लंबाई भी मेरे से ज्यादा ऊंचा मुझे लड़का आज मिला है यहाँ पे आज लग रहा है कि खड़े खड़े बात करनी पड़ेगी है भाई क्या नाम है आपका आशीष राणा राणा जी कहाँ तुम टीरी गढ़वाल घनसाली घनसाली यह कितना साल हो गया 20 साल 20 साल हो गया बचपन से अच्छा बचपन में क्या कर रहे हैं पापा पापा मेरे शेफ है अच्छा और आप क्या कर रहे हो मैं भी शेफ ही हूँ शेफ ही हूँ कहाँ पे ताज पैलेस दिल्ली देखो कितना स्मार्ट सा बंदा है ना और को बोलन की पहाड़ी बल छोटा बंदा इतना लंबू यू 6 फुट 2 इंच ये की हाइट बोल 6 फुट मेरी लंबू में से भी ज्यादा पर एक चीज चीज थी कि उत्तराखंड में अच्छा गौरमू आज पापा का भी है पापा नहीं आए अच्छा आप अकेले अकेले आए और किसके साथ लाए हो दोस्त हमारा ये भी हम जाएंगे घनसाली ये कहाँ से है भाई कीर्तिनगर श्रीनगर हाँ जी हाँ जी अच्छा गौर भी जाना हाँ जी जाना रहना जाना रहना पढ़ाई क्या कुटी करी यकी बेटी की यकी बेटी करी अच्छा जी बहुत शानदार और आप मम्मी पापा भी यही रहना यकी रहना अरे वाह मिस नहीं कर दो तुम पहाड़ जाना रहना ना हर दूसरा महीना हर तीसरा महीना अच्छा यार निमन कर दो यार अब पहाड़ ऊपर रहना
कर दो तो चाहे आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर दा काम? अभी बीटेक चलनी। बीटेक चलनी? कोई सब्जेक्ट आप हो? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अमर बुला बन लगी हूँ। अब सबसे बड़ी बात ये की ये चीज पहाड़ में उधर नौकरी का व्यवस्था एनटीपीसी एनएचटीसी टीएचडीसी एन कंपनी जो एक एंटी रिटूवेल और एक अब जोशी मड्डू बन लगी हूँ, कुछ ना कुछ रोजगार है व्यवस्था भी वही चाहे हेल्थ है वो चाहे कहीं भी हो। एक भाई साहब भी काफी देर भी खड़ा हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से है सर आप? मैं यही फरदाबाद से अभी गांव गांव का नाम वो भगवान रामपुर रामपुरा कीर्तिनगर कीर्तिनगर का कीर्तिनगर। तो बचपन में डिंडिया की जिना आप भी? मैं 15 साल की उम्र में सर 35 साल हो गया। अच्छा 15 साल भी आप 35 साल है? अच्छा क्या बात। हर साल होना यक हर साल कल लग रहा अपना करो प्रोग्राम में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं हर साल चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलो और लोगों से भी मिलते हैं। यहाँ पर एक बढ़िया डोली आ रही है, डोली के दर्शन भी आपको करा ही देते हैं। ये बच्चे जो हैं आप देखिएगा, तमाम लोग उत्तराखंड से यहाँ पर आते हैं। ये दिल से नहीं चाहते होंगे कभी उत्तराखंड छोड़े हम, लेकिन और तकरीबन हमारे जो अमूमन छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं उत्तराखंड में उनमें भी इसी तरह से भीड़ होती है। लेकिन जो यहाँ पर आप देखने वाले हो एक अलग तरह की झांकी की व्यवस्था जरूर यहाँ पर की गई है, उसको हम आपको साक्षात दर्शन करवाते हैं उसका। ये देखिएगा नंदा राज जात यात्रा का एक छोटा सा इन्होंने झांकी यहाँ पर निकालने की सोची है। एक अच्छी बात है, हर व्यक्ति सोचता है इस बारे में अगर उत्तराखंड से बाहर है तो उत्तराखंड के करीब तो रहे, दिल में रखे हैं उत्तराखंड। क्यों जी आप कहाँ से आते हैं? मैं उत्तराखंड से ही हूँ। कौन सी जगह? पौड़ी गढ़वाल। कल लगड़ू आज नंद राज बढ़िया जी बढ़िया जी। अच्छा हर साल निकालता? दो साल बड़े बाद निकालना चाहूँ। 12 साल बाद? 12 साल ये रुद्र प्रयाग का जिनमें लगना अच्छा वाह। तो आप जाना थाड़ू ये किराना चमोली जिला? चमोली के जगह नारायण बगड़ नारायण सूर्य मोड़ा को और उत्तराखंड चमोली सा वापस जानो मन नहीं बोल कभी देखो मन बहुत करना जाते रहना सारे ब्याह वाला कभी यूं तो बोली नहीं कि चला जी तक थोड़ा तो अब घर बच्चा थी होता नहीं बोलता तो कितना बड़ा हो गया आपका ना बच्चा ना नाते नाते देखो मैं बोलूं जो आप एक छोटू सुई उत्तराखंड जरूर है यहाँ पर छोटा सा उत्तराखंड जो पीड़ा भी लेके रखता है। चमोली से भी महिलाएं हमें मिली, तमाम पौड़ी से टीरी से तमाम जगहों से यहाँ पर लोग हैं। और ये देखिएगा जिस हिसाब से ये डोली को लेकर आ रहे हैं, नंदा राज यात्रा जो कि 12 वर्षों में होती है जिसकी हमें हमेशा पूजा करते हैं अर्चना करते हैं और हम चाहते भी हैं कि आपने देखा होगा देहरादून में भी किस तरह से चीजें होती है। ये तमाम जो डोली आप देख रहे हैं ये देव डोलियां ये एक महत्वता होती है उत्तराखंड की और उत्तराखंड की इन सर नमस्कार इनसे तो मेरी बात हुई थे। हाँ आप कहाँ जी? टीरा जनाब। हाँ जी हर साल कर रहा आप भी? हाँ जी। ये किरंदा? हाँ जी। ये जगह 21 जी? 21 जी। हाँ जी। अच्छा घर भी जंदा? हाँ कभी कभी 4-5 साल। 4-5 साल? हाँ जी। मौन तो खूब बहुत हो जानो है जी, मौन नहीं कर दो और जानो। स्पेशली डिमांड पे बुलाया यहाँ पे भागुड़ा जी को। अरे वाह देखिएगा तो ये साथ मैंने पहले ही बोला था घरवालों भैया की उन दोनों को बुलाना है। आपने नाम तो बताया नहीं अपना। सुनीता कंडारी। तो सुनीता जी अब ये देखिएगा कितनी खुश हो रही है ये इमामुल बल कैलाश जाण कैलाश यात्रा कर। तो ये नंदा राज यात्रा की जो डोली आप देख रहे हैं वाह शानदार और गीत भी चल रहा है नंदा ए गौरा। ये यादें दिलाते हैं हमें हमारी पौराणिक जो हमारी सारी कथाएं होती थी उनका विवरण है यहाँ पर। और लगड़ू नहीं मैं था कि मैं बेर छू, यकीन मान आप मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगड़ू कि मैं आज देहरादून मानी छू। अब लोगों से बात करो तो ये देखो बॉडी बड़ी प्रणाम कल जाना आप देखना घंटा शाम तुम्हारा प्रोग्राम है ब,
बड़ी शर्म है इन भाई। ये देखो वाह, यहाँ पर सेल्फी भी खींच रहे, रील्स भी बनाई आज। हाँ, कितनी रील्स बनाई? रील्स अभी बनाने का टाइम नहीं है फिलहाल, तो अभी हम प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, आपने बना दी रील्स? हाँ बना दी। हो गई। आप कहाँ से हैं वैसे? हम बिलोंग उत्तराखंड से करते हैं। कौन सी जगह? हम है पौड़ी गढ़वाल से। और आप? मैं तो हरियाणा की हूँ। वो आप हरियाणा की हो? और लगती नहीं है, लेकिन पूरे गढ़वाली रंग में रंग चुकी है हमारे। बहुत अच्छी बात है। चलो, आप गढ़वाली तो बोलते होंगे? थोड़ी थोड़ी। अब जो जोखड़ा ना सब बना की गढ़वाल निवल बना। ना ना, हम तो गढ़वाली बयान दीजिए, पर जरा इन लग दो कि कुछ गलत बोल देला तो कि कोई कुछ बोल देला। हम कुछ नहीं बोल दो, ये बिंदास बोली दे। नौ क्या जी आप? मैं नौ रीन हूँ रावत। ये किरण रावत जी? हम ये किरण। क्या कर अभी क्या करना आप? मैं तो हाउस वाइफ था। अच्छा। अच्छा, ब्योब रात होगी सब? हाँ ब्योब होगी। मेरे को लगड़ो नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ जो अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैं ये पूछने ही वाला था। अच्छा, ना ना ना, मेरा दुई बच्चा भी चल। अरे वाह, बाप रे, लग नहीं रहे हो बिल्कुल ना। तो कैसे, कितने साल हो गए फरीदाबाद? मैं तो 15 साल होगी। मौन निकल दू, वापस जानो वापस। हम ये कह रहे हैं, हम जाना था साल साल भर में जाना था। पर अगर परमानेंट बोल गई यार पहाड़ ऊपर चल जाओ। हाँ, कोई बोल दे लेकिन परमानेंट अगर हो जानू रोजगार को कुछ वक्त, तो हम तो सदा निरन तैयार था वक्त। सही बात, और सब ने यही बोला है रोजगार एक बड़ा मुद्दा। चलो इनसे भी पूछते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्ते। ये हो क्या रहे? गढ़वालियों का फंक्शन कौथिक। गढ़वाली? अरे सुनो, मैं पूछ रहा हूं, गढ़वालियों का फंक्शन हो रहा है कौथिक? हर साल देखते हो? नहीं नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, जो आपने ये पहना हुआ इसको क्या बोलते हैं? नथ। नथ, अरे वाह। आपने और ये गले में इसको ये गोलो बंद। हाँ जी। चलो ये थोड़ी थोड़ी। अच्छा, गढ़वाल पता है थोड़ा बहुत? गए हो आप कहीं? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं गई, मैं मेरे सारे फ्रेंड्स गढ़वाली हैं। हमारे थ्रू देख रही है। उत्तराखंड की राजधानी पता आपको? आपको पता है? मैं तो गैर जान जानती हूँ, लेकिन वेरी ट्रू। सबसे बड़ी बात इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि आज तक स्थाई अस्थाई हुई नहीं है। आ जाओ इधर, आ जाओ। आज स्थाई हुई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और भाई है यहाँ पर। नमस्कार मेरे भाई। नमस्कार जी। कैसा चल रहा है इधर राज? बड़ा अच्छा मेला आप लोगों का। बड़ा अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है भाई ओम प्रकाश गौड़ जी के माध्यम से। और बड़ी जनता आज बड़ी खुश है। कोविड के बाद शायद ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इतना जन सलाजा घूमड़ा है। और हम चाहते हैं कि भाई ओम प्रकाश गौड़ जी को इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद जनता का मिलता रहे, और आने वाले भावी चुनावों में भाई ओम प्रकाश गौड़ जी की भारी भगवतों से विजयी हो। विजयी भी हो। ये यहाँ पर देखो, साथ के साथ प्रचार भी होगी। योर बॉडी जी ने बॉडी प्रणाम। कहा छे नाब? आमा बॉडी का होगा। बॉडी का कितना साल होगी ये की? ये दे हमदा ये 25 साल होगी। 25 गांव भी जांदा वापस? हां है मौन नहीं बोल गांव जानो तने आप जे यार अंदर। आप ये कर अंदर की गांव में ये क्यों ना हम आप ये तो गर्मी में भाग जाना। गर्मी में भागना एक जुगाड़ जी थी हमारे उत्तराखंड में। क्यों भाई? नमस्कार। नमस्कार। उत्तराखंड खाली गर्मी में जाना ना? गर्मी में मतलब जाते रहते हैं, कोई ऐसा काम होता है पूजा पाठ जो भी होती है हम जाते रहते हैं। और कब मतलब जो शादी ब्याह तो उसमें जाते रहते हैं। पर बड़ा मन करता होगा नहीं पहाड़? बहुत ज्यादा मन करता है। फंस गए, लेकिन रोजगार नहीं होने के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। अगर रोजगार होता तो हम क्यों छोड़ते? क्या काम, क्या नाम, क्या का, वो काम करते हैं आप? मैं इनकम टैक्स में सर्विस करता हूँ। अच्छा। हाँ, और जो है कि ये हमारा जो उत्तराखंड का जो ये मेला होता है हर साल होता रहता है, तो इसको हम अपनी वहाँ की जो संस्कृति है, जो प्रगति है हमारे, हम उसको याद करते रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। ये चीज है, एक देखिए मैं एक पीछे आपको दिखाऊं ये चीज। यहाँ पर जितने लोग हैं ना, तमाम जिनसे भी बात करने की कोशिश करो, एक जवाब जरूर आएगा कि हम जाना तो चाहते हैं पहाड़, लेकिन रोजगार नहीं है। एक भाई ये देखो, बच्चा लेके आए थे सुशेगी जी। आप? मैं अल्मोड़ा, उत्तराखंड। अल्मोड़ा से हैं आप? अरे वाह, वो अल्मोड़ा में अंग्रेज आ रहा था, चला गया? चला वही है? नहीं है, आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। उत्तरायणी कल घुघुती बनाई थी? हाँ जी, घर पे। सच्ची? हाँ जी। घुघुती वाला गाना आता है आपको? ये आप, ये कौन है? मुझे लग रहा था, मुझे लगा ऐसे। मैम थोड़ा खड़ुआ बल। हाँ, आप यो यू, मेरे को थोड़ा कुमावनी कम आती है, पर वो घुघुतिया वाला गाना हूँ ना? वो ना नहीं आती। नहीं आ तुम घुघुतिया? क्या घुघुती? कुछ ऐसा है सुना है मैंने, लेकिन पूरा आता नहीं। आपको भी नहीं आता? हम आते थे घुघुती। अभी बड़ा हंस रहे थे आप इन पे। ये देखो, अब मुझे लग रहा है यहाँ भी कोई और है जो हंस रहे हैं, अभी इनको पकड़ने, पहले इनसे भी। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष गढ़वाल भी उनपे? गढ़वाल जी। बिंग गढ़ की बन भी होंगी
ये शर्मा गया। कौन सी क्लास में भाई? सेकंड में हो? कहाँ पढ़ते हो? मॉडर्न सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल। अरे वाह, पापा क्या करते आपके? पापा क्या करते? बहुत शर्मा रहे, बहुत शर्मा रहे, बहुत शर्मा रहे। ये देखिए नंदा राज यात्रा वहाँ अभी स्टेज पर पहुंच गए, पर मैं जो एक चीज बोल रहा था, यहाँ पर तमाम लोग जो आए हुए हैं ना, ये पहाड़ से बहुत प्यार करते हैं, बट अनफॉर्चुनेट ये है, पहाड़ जाना भी चाहते हैं पर जाएं कैसे साहब, रोजगार की व्यवस्थाएं तो सारी यहीं अटकी पड़ी है। यो इधर दूर बड़ी नहीं खेणू जी, एक चीज जी भाई, आप लोग सब ये किरण मैं तिलक हूँ आज, मैं काका जी ना आप लोग इन्हें बड़ी बात हूँ थोड़ा दिखना नहीं, एसडीएम नगर यख रंग ना एसडीएम नगर पहाड़ बिटी कख बिटी जिन उत्तराखंड बटी थोड़ा ये नहीं वादू कैमरे तरफ से देखा बोला उत्तराखंड बटी के जगह उत्तराखंड रुद्रप्रयाग बटी रुद्रप्रयाग के जगह रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग उत्तराखंड रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में भी जो गाँव का चुतमर अमर रतुड़ा सिंधु। अच्छा हम गुप्त का जिन नहीं? अच्छा मैं रतुड़ा हाँ गुप्त का से तो दूर से। अच्छा हमारे हम के जगह हम नावर सेडा। अच्छा हाँ, ये किरण दा? हाँ ये किरण हम। तू वापस जानो मोहन नहीं बोल नानी बोल नहीं बोल किले आप ये पहले दिखे नहीं भाई जो मोहन नहीं बोलो वापस जानो किले मैं लगनो ये सिवा चची बॉडी नहीं बन जो हंस दी रंदी वो यानी अभी भी हंस लगी हूँ है जी। आपका कहा? हम टेरी का बेज टेरी। अरे आप बड़ी? हम कुमाऊं के हैं। कुमाऊं के हुए आप? अरे वाह, कौन सी जगह गया? दरियाहाट के गंगोली हाट। दूरीहाट? अच्छा दूरीहाट। तो जाते रहते हैं यहाँ? मेरा लड़की जो वहाँ रहते हैं वहाँ आई हूँ मैं, ये संजय कॉलोनी। तो आप रहते वही हो? हाँ। आज खाली घूमने आ रखे हो? हाँ ये आँखों करने आई। चलो हाँ। और बाकी सब ठीक है उधर? ये हमारी माताएं हैं जो आज यहाँ आ रखी हैं भाई। एक छोटी सी गुड़िया भी तो थे भी है मान गढ़वाली। हाँ दादी बना हो बोल रहे। आप भी ये किरण? हाँ ये किरण है सिंह। कितना साल हो गया? एक हमता हो गया 25 साल। 15 साल, 25 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, इतने लंबे अरसे से ये लोग यहाँ रह रहे हैं और उत्तराखंड का अपना अभिमान, स्वाभिमान, अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश में लगे हुए। इनका मन जरूर करता है कि हम वापस चले पहाड़ों की तरफ, पर जाएं कैसे साहब, वही रोजगार की मार है, वही शिक्षा की मार है, वही स्वास्थ्य की मार है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भात खा रहे, वो भी शर्मा गए, पर आपसे जरूर जुड़ेंगे। इसी तरह का माहौल हर जगह हो, भारत वर्ष में उत्तराखंड का भी एक नाम हो, एक परचम हो हमारा, और ये सभ्यता जो आप देख रहे हैं ये यकीनन इस चीज को दोहराती भी है। इन सब लोगों का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और आप तमाम दर्शकों का भी। आज यहाँ पर क्या क्या होता है आपको जोड़ के रखेंगे, तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।